लास्ट वीक का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। नेटिव से आने के बाद पहला काम है बैग्स अनपैक करना। ये आसामी साड़ी मेखला यानी साड़ीज मुझे गिफ्ट में मिला। और ये है सबने प्यार से पैक करके दिया हुआ फूड आइटम्स। अचार, असमीज चटनीस, अड्रिट का फेवरेट तिल का लड्डू और घर का राइस भी, ये सब थोड़ा थोड़ा सबने पैक करके दिया है। बहुत दिनों से वुडन बेड्स लेने का सोच रहे थे और फाइनली आज ये हमने लिया। समर आते ही डेली लाइफ में कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, ये समर टिप्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉटन फैब्रिक्स सॉफ्ट, ब्रीथेबल, कूल और लाइट वेट होती है। समर में इसलिए मैं कॉटन बेडशीट से यूज करती हूँ। कॉटन बेडशीट्स एयर फ्लो सपोर्ट करती है, जिससे समर में इनमें सोने से कंफर्टेबल कूल फील होती है। समर में खुद को कंफर्टेबल एंड कूल रखने के लिए मैं डेली वेयर में कॉटन क्लॉथ ही यूज करती हूँ, क्योंकि समर में स्वेटिंग ज़्यादा होती है। कॉटन फैब्रिक स्वेट एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी कूल डाउन करके रखने में हेल्प करती है। गर्मी में ठंडा पानी पीने को बहुत मन होता है ना? कॉपर डिस्पेंसर या क्ले मटका में पानी नेचुरली ठंडा रहता है, इसलिए हम लोग ये पानी पीना प्रेफर करते हैं। कॉपर में स्टोर किया हुआ पानी पीने से मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। इस बार माँ से एक समर टिप सीख कर आई हूँ। समर में कुछ प्लांट्स पानी में बहुत जल्दी ग्रो होता है। माँ ने ये प्लांट्स उनके गार्डन से मुझे दिया है, इनको मैं थोड़े दिन के लिए पानी में ही रखूँगी। माँ बोलती है समर में अपने घर को नेचुरली कूल रखने के लिए घर में बहुत सारा इंडोर प्लांट्स रखना चाहिए। इस बार माँ का ये टिप फॉलो कर रही हूँ। प्लांट्स अपने चारों तरफ की एयर कूल, प्यूरिफाइड और फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं।
समर आते ही हमारे बालकनी में बहुत धूप आती है, इसलिए मैं प्लांट्स को रीलोकेट कर रही हूँ। नहीं तो धूप के वजह से बहुत प्लांट्स के लीव्स जल जाते हैं। इस टाइम पे प्लांट्स में वाटर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होती है। वाटर स्प्रे करने से प्लांट्स के चारों तरफ के एयर में ह्यूमिडिटी लेवल्स इंक्रीज होती है, इससे प्लांट्स समर में भी अच्छे रहते हैं। समर का एक अच्छी बात है कि इस टाइम पे हम लोगों को खाने को मिलती है लॉट्स ऑफ डिलीशियस मैंगोज, और मैंगो किसको पसंद नहीं होता है। बट मैंगो खाने से पहले हाफ एन आवर के लिए पानी में सोक करके रखना चाहिए। ऐसे रखने से मैंगो में से हीट रिड्यूस होती है और साथ में ही इसमें रहने वाले हार्मफुल केमिकल्स भी रिमूव होती है। सो आप मैंगो खाने से पहले वाटर में सोक करके रखते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। ये लेमन मैं इस बार आसाम से लेकर आई थी। ये लेमन मुझे बहुत पसंद है। हाइड्रेशन हमेशा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली समर में हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के वजह से बहुत स्वेट होती है, इसलिए गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीना घर में सबको याद रहे, इसलिए सभी रूम्स में वाटर बॉटल्स रखती हूँ। गर्मी की वजह से कुकिंग करने को मन नहीं करता है ना, इसलिए मैं समर में प्रिफर करती हूँ सिंपल और कम टाइम में रेडी होने वाले रेसिपीज, जो लेस स्पाइसी और लेस ऑयली भी हो। और समर में तो होम कुक्ड फूड ही बेस्ट होती है। गर्मी की वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। समर हीट से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये टोमेटो ग्राइंड करके इसमें 1 स्पून रॉ हनी ऐड करके इसे आइस क्यूब्स होने के लिए रख देती हूँ।
आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आइस क्यूब्स बनाकर समर में यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये टोमेटो हनी का आइस क्यूब्स अच्छा लगता है। समर आते ही दही हम लोग डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं। दही बनाने के लिए मैं समर में क्ले पॉट यूज़ करती हूँ। क्ले पॉट में दही थिक और क्रीमी बनती है। मिल्क को अच्छे से बॉईल करके रखा था, अभी ये मिल्क वार्म है। दही बनाने के लिए मिल्क वार्म होना चाहिए। अभी मिल्क में 3 स्पून्स दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस अभी मिल्क दही बनाने के लिए रेडी हो गया है। अभी मिल्क को ओवरनाइट ऐसे ही रख दूंगी। गर्मी आते ही सब जगह मॉस्किटो का बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐसे इवनिंग टाइम पे कपूर यूज़ करती हूँ। कपूर के स्मेल से अपने घर को मॉस्किटो फ्री रख सकते हैं और ये रूम फ्रेशनर की तरह भी काम करता है। सबसे अच्छी बात है ये नेचुरल है। और ये क्ले पॉट में होममेड थिक दही रेडी हो गया है। ये दही से मैं बना रही हूँ बटर मिल्क। समर में बटर मिल्क, लस्सी, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर ये सब हम लोग पीते हैं खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए। आज आपको कौन सा समर टिप ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।